और आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो फिर आगे पीछे नहीं जाएंगे, यहीं से निकालेंगे घास और डाल देंगे, मतलब सारा का सारा कुल मिला करके सेटअप रखना पड़ता है यहाँ पर। पूरा दबाओ क्या सीन, पूरा दबाओ पूरा दबाओ, कोई कहीं नहीं जाती है। कहाँ चली, स्टैंड लगाए नीचे। देखो भाई कैसा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे एकदम मस्त। सो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और देखिए भाई, मौसम ख़राब हो चुका है, जैसे मैंने बताया था कि बर्फ़ पड़ने वाली है। सो बताया भी है, इंटरनेट पे भी बताया हुआ है कि भाई मौसम आने वाला है, बर्फ़ गिरने वाली है बस। एंड अभी गांव में है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जब से MT15 ली है मैंने डिलीवरी, तब उसके बाद मैंने बारिश देखी नहीं है, वैसे ही नहीं देखी, आई ही नहीं है बारिश। तो लगभग 2 महीने हो चुके हैं अब। तो देखिए जी, सर्दी के टाइम में डंगरों की सेहत हो जाती है ख़त्म, और बांधने पड़ते हैं इस तरह से, एक घर की साइड में एक खेत जैसा, वहाँ पे बस ऐसे खंभे लगा देते हैं और इस तरह से बांध देते हैं ताकि ये धूप सेक सकें। बट आज तो मौसम ख़राब है देखो, और धूप तो है नहीं, बट फिर भी घास ही खाने के लिए बांध के रखा हुआ इनको थोड़ी देर के लिए, इसके बाद इसको अंदर ले जाएंगे। सो आजकल बारिश नहीं आ रही है, सो धूल ही धूल हो चुकी है। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब फैमिली पे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। रेडी हो चुके हैं एकदम से, और अभी जा रहे हैं हम नीचे सड़क तक, और वहाँ से जाएंगे ननिहाल अपने। सो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये पीछे हमारा गांव, यहाँ से हम यहाँ तक आए, और ये जो नीचे वाला गांव, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे बरसी थी। आगे आगे चल रहे हैं मम्मी जी हमारे। राधे राधे। राधे राधे जी सबको। कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, अपनाओ। बढ़िया एकदम मस्त। देखिए यहाँ पे बच्चों के बाल खड़े हो गए हैं ठंड से। सो बादल है ना सुबह से जी। सो आज है फर्स्ट टाइम, है ना? अभी तक बैठे हो बाइक पे? भला उधर तो ऐसे ही जस्ट फोटो खींची थी ना। ये लगी हुई है बाइक अपनी अंदर, तो यहीं पे लगाते हैं हम, और क्योंकि यहाँ पे सेफ है, और ऊपर सड़क हमारी थोड़ी ख़राब है तो ऊपर नहीं ले जाते, अभी कच्चा सड़क है और अभी बर्फ़ भी पड़ने वाली है तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे। बाकी आँखें देखो यार। कैसी हैं आँखें? मस्त है ना। तो जी मम्मी जी तो रेडी हो चुके हैं हमारे एकदम फुल ऑन फायर। अभी चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे तक जाना है हमने। फिलहाल मिलते हैं आपसे सीधे रोड पे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी सुरेंद्र खन्ना एंड यू आर वाचिंग गाइस सुरेंद्र खन्ना ब्लॉग। सो आज फर्स्ट टाइम चल रहे हैं मम्मी जी के साथ। सो आज के दिन बिल्कुल ही आराम से चलेंगे। बोलिए कैसा लग रहा है फिर? क्यों? अच्छा, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज देखो स्पीड 40 से ऊपर गई नहीं स्पीड, आज चल रहे हैं हम बिल्कुल ही आराम से। वैसे तो हम रोज ऐसे ही चलते हैं यार, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर लोग क्यों बोलते हैं भाई तू बड़ा स्पीड चलता है। मैक्सिमम पीपल्स जो भी मिल रहे हैं ना मेरे को, बस यही बोलते हैं, बस भाई तू बहुत फास्ट चलता है, आराम से चला कर भाई, आराम से ही चलते हैं यार। ए हाइड बिठा। नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया है जी। वही पैर छूरी है, गॉड ब्लेस यू। ओके मामी जी, आदर नमस्ते मामी जी। ठीक हैं आप? भी ठीक हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा मेमना, इसको बोलते हैं डांगू, यह भेड़ का बच्चा। आपका क्या नाम है? हिमांशु। दिमांशु? हिमांशु। देखिए हिमांशु के घर में आए हैं हम आज,
ये देखो प्यारा सा मेमना, मार दोगे इसको? हक देता है ये? हक देता है? अच्छा कब पैदा हुआ? 5-6 दिन। वो इतने दांत भी हैं, वाह। आर्यन आपका क्या नाम है? मिष्टी। आपका क्या नाम है? चिंटू। चिंटू भैया पकड़ो उसको, चिंटू भैया पकड़ो, पकड़ो चिंटू भैया, देखो चिंटू पकड़ो, चिंटू पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चिंटू आपको पसंद है भेड़ है? भेड़ पसंद है आपको? वाह देखो भाई हिमांशु का भेड़, इसका नाम क्या है? डेंगू है इसका नाम। ये दोस्तों मम्मी जी चढ़ चुके हैं अपनी बाइक पे, तो कैसी है बाइक फिर? बहुत ही सुंदर है। और आप देखिए मम्मी जी बाइक के साथ, अब राइडर बनाएंगे मम्मी जी को, सिखाते हैं बाइक कैसे चलाते हैं। सो चलिए करिए चाबी ऑन, दूसरे हाथ से करते हैं, चलिए करिए ऑन चाबी। ये क्या बात है भाई, क्या बात है। तो करिए बटन को नीचे, अरे नीचे वाले बटन को प्रेस करिए, नीचे वाला जो बटन है उसको दबाओ। ना भाई, ना ना ना। मैंने बोला दबाओ, पूरा दबाओ, पूरा दबाओ। क्या है, क्या क्या है, क्या सीन? पूरा दबाओ, पूरा दबाओ, कोई कहीं नहीं जाती है। कहाँ चली? स्टैंड लगाए नीचे। देखो भाई कैसा है, देखो भाई इसको बंद कर दो, देखो राइडर, एम राइडर, क्या बात है भाई, क्या बात है। टांगे ऊपर चढ़ा दो, इसको स्पीड दो। ओ भाई गियर हैरत का है। सीधे बैठो। मम्मी जी ने बाइक भी चला ली, आज एमटी धन्य हो गई, अब एमटी सफल हो गया। अब एमटी का मतलब ये है कि बस आज इसने पूरा अपना कर लिया कि ये काम सबसे पहले करना था। सो अभी लगभग 2-1.5 महीना बाद हुआ, लेकिन अच्छा हो गया। देखिए सामने का व्यू देखो आप, वाह देखो भाई नज़ारे। चलाओ अब आगे, मैं पीछे बैठता हूँ। देखो भूमिका कैसे चलाती है फिर भाई, के लिए तो। वन लाइक और कुछ नहीं, वन लाइक, वन लाइक एंड शी इज़ ब्रेव गर्ल, ब्रेव गर्ल, कोई ऐसी बात नहीं है, सीखना होता है, बस सीख गए तो फिर चल पड़ती है बाइक। अभी चलते हैं फिर, रात होने वाली है, क्यों किसी और दिन चलाओ आप। बंद कर दो बटन, बस ठीक है जी। तो चलते हैं गाइस, अब कैसा लगा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस? डरने की ज़रूरत है नहीं वैसे, फिर कभी दूर की ट्रिप बनाएंगे थोड़ा, ठीक है ओके, थोड़ा डर को कंट्रोल में रखो बाकी। सो दोस्तों मम्मी जी के एक्सप्रेशन और लाइव जो भी था, रियल जिसको बोलते हैं, रियल एक्सप्रेशन थे। और बाकी यार ज़्यादा दूर नहीं गए थे ना हम, थोड़ा नज़दीक ही गए थे, सो ज़्यादा कुछ राइड भी नहीं हो पाई, बट ये है कि चलो अच्छा है मम्मी जी ने भी बाइक पे राइड कर ली, क्योंकि यार सभी ने बाइक पे राइड की थी, मम्मी जी ही बच रहे थे। सो मम्मी जी ने भी राइड कर ली है बाइक पे, और अभी आराम से ही चला रहे हैं आज, और हम वैसे भी आराम से ही चलते हैं यार। पता नहीं क्यों लोग बोलते कि भाई बड़े फास्ट चलते हो आप, आज भी पूरा का पूरा दिन जो है सभी ने ऐसे ही बोला भाई आप बहुत फास्ट चलते हो। तो गाइस ऐसी बात नहीं है, फास्ट नहीं चलते हैं यार, यू नो कहीं कहीं जगह पे चलना पड़ता है, और मतलब ये बात समझ लो कि फास्ट हम नहीं चलते हैं, बस ये समझ लो। सामने देखो मौसम ख़राब, जो हमारा तिस्सा है, तिस्सा में देखो मौसम ख़राब, ऊपर साथ पास के एरिया में भी बर्फ़ पड़ रही है, दबादब बहुत ख़तरनाक। ये बर्फ़ अब उतरने वाली है यार नीचे, उसी दिन का वेट है बस, कितने दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि तो दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, यहाँ पे अपनी बाइक अंदर जाएगी और यहीं पे पैक कर देते हैं बाइक को। तो गाइस एमटी को शटर में लगा दिया है,
और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, थोड़ा सा है बस घर जाने के लिए। ये देखिए कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। तो सड़क कब तक बनवा रहे हो फिर? मैं तो सोचती हूँ कि जल्द से जल्द बन जाए जी। तो दोस्तों मम्मी जी ने बोल दिया कि सड़क जल्दी से जल्दी पक्का हो जाए, सो आप लोगों को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। सो आगे चलते हैं, घर में मिलते हैं आपसे। क्यों? हाँ जी, अगर घर तक सड़क पक्का होता तो हम बाइक को ले जाते घर, अभी तक घर पहुंच जाते। बिल्कुल, रोड तो है आपको पता है बट कच्चा है, कच्चा। ओके गाइस, सो फाइनली हम तो पहुंच चुके हैं घर में। अभी यहाँ पे चल रहा है डिनर, और देखिए डिनर हो रहा है यहाँ पे। पापा जी हमारे, कैसे हैं पापा जी आप? बढ़िया हैं। बढ़िया है। आजकल तो काफी ठंड है छत पे, तो बुरा हाल है छत पे, तो बुरा हाल है। ओके, देखो यहाँ पे तंदूर में आग जल रही है, और ये मम्मी जी। ओके, सो यहाँ पे रीजन ये है कि आजकल काफी ज्यादा ठंड, सो फ्रेम आपको यही मिलेगा, क्योंकि सर्दी में अब बाहर बर्फ पड़ने वाली है 2-3 दिन के अंदर। तो यहाँ पे अब चूल्हा जलता रहता है, यहाँ पे लाइट चली जाती है यार, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज लाइट जाने की होती है, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर। बट यू नो हमारे पास पावर बैंक रखा हुआ है 30,000 mAh का, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, और शूट कर लेंगे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपके लिए, क्योंकि बर्फ पड़ने वाली है अब, जैसे इंटरनेट पर बता रहे हैं, बाकी श्योर नहीं है कि पड़ेगी ही पड़ेगी। बट चलो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं बाद में।